मायरा फैशन, स्वामी कॉम्प्लेक्स, अनवेगा मॉल, अजमेर। और वहाँ गुरुद्वारे में जो है सेवा कार्य होता है, दर्शनार्थी जाते हैं, वहाँ पे लोग रहते हैं। 3 तारीख को गुरुद्वारे में पथराव किया गया, गुरुद्वारे में तोड़फोड़ की गई, और वहाँ पर जो लोग थे, दर्शनार्थी थे, और जो मंदिर को, गुरुद्वारे को संचालक समिति थी, उनको मारा पीटा गया है। और इसके विरोध में गुरुद्वारा जो है 3 दिन से बंद पड़ा है, गुरुद्वारे में सेवा कार्य नहीं हो रहा, अरदास नहीं हो रही, वाणी नहीं हो रही। तो इसलिए आज हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमसे दोगला व्यवहार करता है। एक तरफ हमें कहता है करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया, आप दर्शन करने के लिए आओ, जब हमारे यहाँ से सिख भाई दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ मारते हो। फिर दूसरा सबसे बड़ी बात, ग्रंथी जी की जो पुत्री थी उसको अगवा कर लिया, उसके साथ ज़बरदस्ती निकाह करने की बात, वो अपने माँ बाप के पास जाना चाहती है, उसको छोड़ना नहीं रहे। पाकिस्तान में एक आदमी ने, सारी दुनिया ने टीवी में देखा और बाइटों में देखा, यूट्यूब पे देखा, कि वो कह रहा है कि इसको ग़ुलाम मुस्तफ़ा अली मस्जिद बना दिया जाएगा, तो ये कैसे बर्दाश्त होगा? ये आज जो सहिष्णुता है, जो आपसदारी है, धार्मिक स्थलों पे ऐसे काम नहीं हो। एक पत्रकारिता करने वाले एंकर को पेशावर में कत्ल कर दिया गया कल रात को। तो इस तरह की घटनाएं जो हैं वो सारे समाज को उद्वेलित करती हैं। हम राष्ट्रपति जी से आग्रह करते हैं कि राष्ट्रपति जी भारत सरकार को कहें कि यूएनओ में इस मामले को उठाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत पाकिस्तान को कंपेल किया जाए, उसको इस बात के लिए विवश किया जाए कि वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को करें, और जिन लोगों ने अपराध किए उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें, और दूसरा जो हमारे लोग वहाँ रह रहे हैं उनकी सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था हो, उनके साथ मानवीय व्यवहार हो, वो अपने आप को अकेला और दुखी और पीड़ित ना समझें। इसीलिए आज राजस्थान में अजमेर शहर जो है के अंदर सिंह सभा, पंजाबी राजस्थान पंजाबी महासभा और सिख यूथ फेडरेशन ने इसका आगाज किया है। पहली बार हम लोग इसके द्वारा आए हैं, और आगे भी अगर किसी हमारे भाई के साथ अत्याचार होगा तो हम इसी प्रकार संघर्ष करते रहेंगे, पाकिस्तान को उसके ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और भारत सरकार से विनम्र विनती करेंगे कि वो भारतीयों की वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था करें। नागरिकता संशोधन बिल पर बहस, ये राजनीति है, इसका कोई लेना देना नहीं है इससे। आज ये वो उस पर कोई विवाद भी नहीं है, अगर कोई हमारा देशवासी हमारे देश आएगा तो उसको आने से कोई रोक भी नहीं सकता। कोई नागरिक संशोधन बिल जो है वो पूर्णतः राजनीतिक मुद्दा है, नानकाना साहब पूर्णतः धार्मिक मुद्दा है। तो धार्मिक मुद्दे से अब राजनीतिक मुद्दे पर कोई भी विचार विकट करना, ये मेरी भी दोहरी मानसिकता का सवाल होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनकी वहाँ सुरक्षा की जाए, और जो आना चाहे उसका स्वागत है।